So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS third professional student from Nalanda Medical College, Patna. और आज की इस वीडियो में हम आज फिर आप सबके लिए एक 21 बैच की फ्रेशर को पकड़ के लाए हैं ताकि आप सबके साथ वीडियो बना सके एंड इंटरेक्शन कर सकें. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में. Hello everyone, myself Gulshita Nazreen and I'm a 21 batch student in Nalanda Medical College. I got 631 marks in NEET and my All India rank was 7918. तो गुलशिता तुम बताओ कि तुम कहाँ से हो? मैं मधुबनी से हूँ पर दिल्ली में ही स्टार्टिंग से रही हूँ. स्टार्टिंग से तुम बचपन? बिल्कुल बचपन से. ओह दिल्ली क्या सो डेलहाइट डिलाइट डिलाइट डिलाइट. अच्छा अच्छा. तो गुलशिता तुम क्योंकि तो हम सब जानते हैं मतलब सारे मेरे ऑडियंस जानते हैं जितने भी नीट एस्पिरेंट्स की तुम एमबीबीएस स्टूडेंट हो इस बार तुम क्रैक की हो नीट. तो तुम्हारी जर्नी कैसी थी, तुमने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की, वो बहुत इंस्पायरिंग होगा तो हमारे ऑडियंस को बताओ. एक्चुअली अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था उसमें क्योंकि मैंने जो पर्टिकुलर कोई लाइक हाई लेवल कोचिंग ज्वाइन की नहीं थी. 11th 12th में मतलब आइडिया लिया था कि करना है कोचिंग ऐसे वैसे तो मैं इतना प्लान नहीं कर पाई, इतना इतनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं 11th 12th में कर नहीं पाई इतने प्रॉपर वे में. तो फिर मैंने ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन CBSE की तरफ किया था एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब ज्वाइन करूँगी पर्टिकुलर कोचिंग तो फिर लॉकडाउन हो गया था. तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने ऑनलाइन सोर्सेज ही ढूंढे थे स्टडी के लिए कि अगर इस टाइम नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम करूँगी क्योंकि मतलब उस टाइम पर ऐसा ड्यूरेशन ही था कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था. बट ये था कि अंदर में कॉन्फिडेंस था कि इतनी नॉलेज है तो उस पर कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं. तो ऑनलाइन सोर्सेज की मदद ली. ऑनलाइन सोर्सेज में मतलब क्या क्या तुम यूज़ किया? मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था. मैंने फिजिक्स वाला ऐप के थ्रू कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह किए थे, मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे सारे. मतलब मैंने जितनी भी मॉक टेस्ट अवेलेबल थे ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू मैंने सारे अवेल कर लिए थे. मतलब तुम ज़्यादा ऑनलाइन के थ्रू? जी जी बिल्कुल. लॉकडाउन पीरियड तो मेरा 12th कब गया था? मैंने 2020 में किया था जी. तो मतलब मैं ये चाहती थी कि एक मैसेज इसके थ्रू ये रहे कि कोचिंग्स के ऊपर हम डिपेंडेंट लेस रहे और ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे कि सेल्फ स्टडी एंड खुद का कॉन्फिडेंस ही क्रैक करने में ईजी रहता है एग्जाम में. तो ये बहुत ही बड़ा मतलब मिसाल है कि विदाउट कोचिंग और लॉकडाउन के टाइम में तुमने मतलब एक साल में 2020 से लेकर 2021 में पूरा तैयारी की एंड 631 मार्क्स लाए. बहुत ही अच्छा मार्क्स है ये एंड ये उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंस्पायरिंग है जो लोग जल्दी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं एंड हमसे पूछते रहते हैं कि मैम ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू इंसान क्रैक कर सकता है या नहीं. सो गुलशिता तुम मतलब MBBS स्टूडेंट तो बन गई बट हमको ये जानना है कि तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कब आया कि तुमको डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है. मतलब ये ऐसे रैंडम आया पहले से था? नहीं 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 एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई था ही नहीं इस फील्ड में. तो ये मेरे दिमाग में ये था कि कुछ नया फील्ड ट्राई करते हैं. तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग से काफ़ी डिवोटेड थी कि मुझे इसमें ही जाना है. अच्छा स्टार्टिंग से ही थी? स्टार्टिंग से ही थी. एंड पेरेंट्स सबने सपोर्ट किया? हाँ उन्होंने कभी स्ट्रीम लेते वक्त मुझे लाइक क्वेश्चन नहीं किया कि तुम ये क्यों ले रही हो या ऐसा कुछ किया, कुछ भी कभी क्वेश्चन नहीं किया. मैंने जो किया है वो अपने लिए किया है. हाँ बहुत अच्छा बात है. और फिर कॉलेज आकर कैसा लग रहा है तुमको? मतलब सबसे पहले पेरेंट्स के बारे में बताओ उन्हें कैसा लग रहा है? उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से. मतलब जो भी मैंने अपने लिए सोचा हमेशा से स्टार्टिंग से ही वो मतलब आज तक मिलता है. तो उस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हूँ और पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं. और यहाँ पे कॉलेज पहली काउंसलिंग मिला था या सेकंड काउंसलिंग? मुझे ये सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे SIC मिला था. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ और कॉलेज आकर कैसा लग रहा है? मतलब किस टाइम आई और उस टाइम का क्या माहौल था और अभी तक कैसा लग रहा है? मतलब जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम पर CFD था तो बहुत बड़ा चेंज है. फेस्ट चल रहा था? जी जी फेस्ट चल रहा था. तो इसलिए बहुत बड़ा चेंज है. अब बोरिंग हो गया. एग्जैक्टली वो सेमेस्टर्स एक साथ स्टडीज एक साथ है तो काफ़ी ज़्यादा सेमेस्टर्स भी आने वाला है. यस बहुत प्रेशर है. तो जब आई थी फर्स्ट में कैसा लगा, कैसा क्या क्या हुआ था? बहुत अच्छा लगा. एक न्यू एनवायरनमेंट था, हर किसी से इंटरेक्शन हो पाया, सारे सीनियर्स इतने अच्छे थे, सभी ने काफ़ी अच्छे से बताया कॉलेज के बारे में और रिगार्डिंग स्टडीज़ स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड की. तो मैं मतलब मुझे लगता है कि कॉलेज में सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस मेहनत करो और आ जाओ. आ जाओ हम इस कॉलेज में आके. तो हम सुने हैं कि मतलब करिकुलम में बहुत चेंजेस हुआ है 18 बैच के बाद से, जितने बैचेस आ रहे हैं उनमें बहुत चेंजेस हुआ. तो क्या क्या चेंज हुए? जैसे हम लोग भी डायरेक्ट पहला सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, तुम लोग में कुछ और चेंजेस हुए? मैम बहुत ज़्यादा चेंजेस है. लाइक जो 12 मंथ का सिलेबस था वो अब 10th मंथ के अंदर कन्वर्ट हो गया है क्योंकि काउंसलिंग काफ़ी लेट हुई थी. एंड फिर मंथली अब वो होने लगे हैं, FAs होने लगे हैं सब्जेक्ट वाइज. एंड उससे फ़ायदा भी होता है? फ़ायदा ये है कि हम रिवीजन कर पाते हैं. एक मंथ में जितना सिलेबस हमने कवर किया होता है वो ईजिली लाइक रिवीजन उसके थ्रू हो जाता है, उसके मार्क्स जो है इतने मैटर नहीं करते हैं.
हैं फीस की, तो वो एक अच्छा वे है यहाँ पे जो चेंज मैंने देखा जो इसी ईयर से स्टार्ट हुआ है. एंड फिर सेमिनार्स होने लगे ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो उसके थ्रू हम कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं और क्लास के साथ अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है. तो ये कुछ चेंजेस है. एंड अब सेमेस्टर्स भी ऑलमोस्ट थ्री होने लगे हैं, जो टू सेमेस्टर्स आउट ऑफ टू जो अच्छा. हाँ तो और बताओ कि हॉस्टल में तुम रह रही हो, हॉस्टल कितने लोगों को मिला और कैसा लग रहा है? हॉस्टल तो यहाँ पे लाइक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो पटना के आसपास के लोग रहते हैं उन्हें तो नहीं मिल सकता, बाकी जो आउटसाइड पटना रहते हैं उन्हें मिल गया है. और काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट अच्छा लग रहा है, सभी बहुत अच्छे हैं. और बताओ गुलशिता, तुम्हारा इंटरेक्शन तुम्हारे बैच में कैसा है और बाकी बैचेस से भी इंटरेक्शन हुई है कि नहीं, मतलब और कैसा कैसा मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है? यस मैम, अपने बैच से अगर इंटरेक्शन की बात करूँ तो बहुत अच्छा जोन, मतलब कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही एक अनऑफिशियल ग्रुप बन गया था, तो उसके थ्रू काफ़ी इंटरेक्शन हो गई थी सभी के साथ. और तो जब ग्रुप ग्रुप बन गया, अच्छा अच्छा बन गए. एंड जब कॉलेज आए तो काफ़ी अच्छा सीनियर से इंटरेक्शन हो गई फेस्ट के थ्रू, तो जितने भी सीनियर्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के होते थे, तो वो काफ़ी सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन अभी 2018 ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो इसलिए काफी इंटरेक्शन. हाँ अच्छी बात है, 18 वैसे इंटरेक्शन बनाए रखना. और तुम अभी तक मतलब तुमको कुछ ऐसा डर वर लगता है कॉलेज में आके, कुछ सुनी हो स्टोरी? स्टोरी मैम कॉलेज की स्टोरीज तो थोड़ी बहुत सुनी है जहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट आता है, बट ऐसा कुछ है नहीं. बट डर और सीनियर से डर लगता है मैम बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मैम से मुझे डर सब पड़े लाइन में भी लोग कमेंट आएगा बाप रे सीनियर से नहीं, बट काफी अच्छे हैं वो, सभी मदद भी करते हैं तो फिर. हाँ वही बात है, मदद भी होता है, बैलेंस होता है. ठीक है. और हॉस्पिटल गई हो अभी तक? मैम वो नहीं गई. नहीं गई, कोई बात नहीं. क्या क्या नहीं अलाउ है अभी तक? मैम मुझे लाइब्रेरी अलाउ नहीं है, मुझे कैंटीन अलाउ नहीं है, मुझे 9 o'clock के बाद. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग को सफ़र करना पड़ता है, कम से कम तुम लोग को, तुम लोग के पास यूनिफॉर्म नहीं है, हम लोग के पास यूनिफॉर्म नहीं था. दो छुट्टियाँ होनी चाहिए, प्रॉपर सूट होना चाहिए. यस मैम प्रॉपर है. Yes, ma'am. रिवाइव हो रहा है. तो पूरे टाइम नहीं करती थी तुम? ये करती थी ठीक है, पूरे टाइम दो छुट्टी करती थी. ये भी और हाँ देखो जैसे ये बहुत सारी चीज़ें तुमसे पूछ ली है और आगे चल के हमको पता है तुम्हारे जूनियर तो आए, तो कितना दिन आया हुआ कॉलेज में तुम लोग? मैम 2 महीने हो गए. और कितने देर में अभी आए कॉलेज जूनियर? 4 महीने बाद आ जाएंगे. कितने देर तक तुम्हें जूनियर? आधे साल के लिए. बहुत अच्छा है बाबर, हम लोग तो इतने देर बाद आए थे जूनियर. सबसे ज़्यादा जूनियर का वेट अगर कोई बैच किया तो वह 19 बैच के जूनियर लोग बहुत देर से आए, तुम लोग का तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग का सब सीनियर बोलने लगेगा. अभी 20 बैच का वेट करना पड़ेगा. अभी देखो, अभी एक साल बाद. अभी ठीक है, वीडियो खत्म होने से पहले अगर तुम अपने जूनियर्स को कुछ गाइड करना चाहोगी, कुछ बताना चाहोगी जो नीट 2022 देने वाले जुलाई में, तो कुछ बोल सकती हो लास्ट मिनट का? मैं ये कहूँगी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और कभी भी डिसीजन इतनी जल्दी मत लो कि तुम्हारे अभी मॉक टेस्ट या जितने भी टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे हैं उस बेसिस पे अपने आप को जज मत करना, क्योंकि मेरे भी मार्क्स बहुत अप्स एंड डाउन आते थे मार्क्स के टाइम पे. लाइक जब मेरे को कभी 2 months बिफोर मेरे 500+ आते थे, एंड वही एग्जाम से 1 महीने पहले मेरे 400 के अराउंड भी आए थे, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले 600 भी आ गए थे. तो मॉक टेस्ट के एग्जाम नंबर्स जो है तुम्हें जज नहीं करते हैं, जज तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी नॉलेज करता है एट दी एंड. तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और हेल्दी रहना एट द टाइम ऑफ एग्जाम तक, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ ज़्यादा वहाँ पे मैटर करता है. क्योंकि मैं बीमार हो गई थी तो वो भी थोड़ा मार्क्स में थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, बट स्टिल कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और मेहनत करते रहो, बिकॉज इट्स नॉट दैट हार्ड कि तुम क्लियर नहीं कर पाओगे. मैं भी एक नॉर्मल ही लड़की थी जो स्मार्ट वर्क के थ्रू नहीं, हार्ड वर्क के थ्रू मैंने एग्जाम क्लियर किया है, तो कोई भी कर सकता है आई बिलीव. एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. बेस्ट ऑफ लक. और हमको एक और चीज़ पूछना था कि नीट 2021 का जो फॉर्मेट है वो किस टाइप का था, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, बायो से किधर से, मतलब बायो से तो आई गेस एनसीईआरटी के अलावा? मैंने एनसीईआरटी के अलावा एक भी बुक प्रेफर नहीं की थी. सारे अगर मैं मॉक टेस्ट में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते थे तो मैं उसे थोड़ा देख लेती थी, बट मैं पूरी तरह डिपेंडेंट थी एनसीईआरटी पे, और इसलिए मेरे 356 आए थे बायो में सिर्फ एनसीईआरटी बुक के थ्रू. और इवन वो 356. सो मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली तो फुल मार्क्स आएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स आ सकते हैं. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे वीक पॉइंट्स पे तुम्हारा ज़्यादा पावर होना चाहिए, और उसके लिए बेस्ट गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, ओके, थैंक यू. ठीक है, बाय.
माय कैनल, वो सब्सक्राइब कर दे एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें।